डॉक्टर सर, मेरे लोकसभा क्षेत्र अंबाला में रेलवे विकास व रेलवे स्टेशनों के अधूरीकरण की योजनाएं वर्षों से लंबित पड़ी हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है, जो रेलवे के मूलभूत ढांचे से आज भी वंचित है। यमुनानगर से चंडीगढ़ रेलवे लाइन निर्माण की योजना वर्षों से लंबित पड़ी है। कालका से परमाणु की योजना पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। यमुनानगर से पटियाला वाया कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से देहरादून वाया पांवटा साहब योजना भी अदर में लटकी पड़ी है। अंबाला यमुनानगर व पंचकूला के रेलवे स्टेशन के विकास की योजनाओं पर भी अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यमुनानगर जिले पहले अब्दुल्लापुर स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वो भी जीर्ण अवस्था में है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ से हर रोज 350 के लगभग यात्री गाड़ियों में माल गाड़ियां गुजरती हैं, मुझे बड़ा दुख है कि इसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की श्रेणी से वंचित कर दिया गया है। मैं मांग करता हूँ कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए और आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में कदम उठाए जाए। थैंक यू सर। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सभापति महोदय, भारत आज दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है, परंतु देश के युवाओं में नशीली दवाओं और शराब का प्रचलन आज एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले सत्र के दौरान आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं में ड्रग्स एवं नशे की बात को देश को समाज और सबको बर्बाद कर देने वाली भयंकर बीमारी एवं बुराई बताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की थी। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने देश में 2010 से 2013 के बीच में 4,77,850 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए थे। देश में नशीले पदार्थों की तस्करी के 2013 में 22,516 मामले सामने आए, जबकि इस वर्ष 12,168 मामले दर्ज किए गए हैं। आज पूरे विश्व में मेड इन चाइना जो माल जो है ना वो छाया हुआ है, जबकि कुछ समय पहले मेड इन चाइना के स्थान पर मेड इन जापान जो है ना माल उसकी एक गुणवत्ता बनी थी। लेकिन उसी समय समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र जापान में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है ताकि वहां के युवाओं को और इस मादक पदार्थों की तस्करी के द्वारा उनकी मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, तथा जापान के अच्छे सस्ते सूक्ष्म और उच्च कोटि के निर्माण कार्य अनुसंधान पर ब्रेक लग जाए। कहीं बाहर के देश भी हमारे देश के साथ में ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? पड़ोसी राष्ट्रों में भी नशीली चीजों का उत्पादन बढ़ने एवं सीमाओं से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से देश की सीमाओं को भी खतरा पड़ रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बुराई के विरुद्ध में, और हमारे देश के जो है ना समाज से भी हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं और विभिन्न समाजों के जो संत हैं और इसके साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चिकित्सा से जुड़े सारे लोगों का इसमें सहयोग लेकर नशे को, सामाजिक बुराई को देश से खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति बनाकर इस पर काम किया जाए।